मेरे शहीद कायद हजरत अल्लामा डॉक्टर खालिद महमूद समरो शहीद रहे मोहल्ला फरमाया करते थे कि ये मजमा मुजाहिदीन का मजमा है, मुजाविरीन का नहीं। तो आपने साबित करना है कि मुजाहिदीन का है या नहीं। आपने दाद नहीं दी, आपने सुभान अल्लाह भी नहीं कहा, आपने माशाल्लाह भी नहीं कहा। यूं लग रहा है जैसे हम कब्रिस्तान में बैठे हों। हम उलमाए देवबंद के बेटे हैं, हमने ये साबित करना है कि हम कब्रिस्तान में मौजूद नहीं। जो बात करते हैं पार्लियामेंट के अंदर भी वही बात होती है, गली मोहल्ले में भी वही बात होती है, चौक चौराहे में भी वही बात होती है। और अलल ऐलान ये बात कर रहे हैं कि तहफ्फुज़े ख़त्मे नबूवत के लिए घर से कफन फान कर निकलते हैं, हथेली जान में लिए निकलते हैं। ख़त्मे नबूवत पर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। जान जाती है तो कोई बात नहीं, कह दीजिए सुभान अल्लाह। मजा नहीं आया, ये तरतीब रहेगी तो बिल्कुल। अभी तो प्रोग्राम की इब्तिदा है। अभी तो प्रोग्राम की इब्तिदा है, ये हाल है। अभी तो कायदीन वक्तन फवक्तन तशरीफ ला रहे हैं। मैं नारा लगा रहा हूँ, वो नारा गोया के इस्तकबालिया नारा होगा। इस वक्त स्टेज पर तशरीफ फरमा, हमारी और आपकी खुशकिस्मती है कि जमीयत उलमाए इस्लाम सूबे खैबर पख्तूनख्वा के नाज़िम इत्तेहाद मोहतरम अब्दुल जलील जान साहब हमारे दरमियान हैं। तो मेहमान का इस्तकबाल तो पुरतबाक होना चाहिए ना। पता तो चले कि मुर्तजा चौक पर मौजूद खत्मे नबूवत के परवानों शाहीनों ने इस्तकबाल किया था और हमारे दरमियान मौजूद है जमीयत उलमाए इस्लाम सूबा सिंध के नायब अमीर हजरत मौलाना अब्दुल करीम आमिर साहब। इस्तकबालिया नारा हो जाए, नारे तकबीर के साथ रब की किबरियाई के साथ नारे तकबीर। मजा नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नहीं आ रहा। खड़े होकर नारे का जवाब दें, हाथ भी जुड़ने चाहिए। आप खड़े हो जाएं मेहमान के एजाज में और खड़े होकर नारे का जवाब दें और हाथ भी जुड़ने चाहिए और झंडे भी जुड़ने चाहिए। शौक के साथ, शौक के साथ आपने नारे का जवाब देना है। नारे तकबीर। और हमारे देवबंद की तारीख तो ये है कि लगाता था तू जब नारा तो खैबर तोड़ देता था, हुक्म देता समंदर को तो वो रास्ता छोड़ देता था। वो शौक चाहिए, वो जज्बा चाहिए। नारे तकबीर। जज़ाकुमुल्लाह खैरा, तशरीफ रखें, प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है। मैं मुल्तमिस हूँ, कायदे कराची खड़े रहे, खड़े रहे, इस्तकबाल आपका जारी रहे। अभी अभी तशरीफ लाए हैं स्टेज पर, तशरीफ फरमा, हाथ झूम कर इस्तकबाल करें क़यादत का। कायदे कराची मुहाफिज़े मदारिस मुहाफिज़े मसाजिद मेरी मुराद कारी मोहम्मद उस्मान साहब स्टेज पर तशरीफ ला चुके हैं। मैं कहने वाला हूँ आपके हाथ झूमने चाहिए, मैं नारा लगा रहा हूँ, आपने जवाब देना है। कारी उस्मान, कारी उस्मान, दिल दिल जान जान, दिल दिल जान जान। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। इसी नज़्म व ज़ब्त के साथ आप तशरीफ रखें। मुझे उम्मीद है कि प्रोग्राम के आखिर तक दुआ तक दुआ समेत आप जोश जज्बे वलवले के साथ शौक के साथ शौक के साथ तशरीफ फरमा होंगे। रब्बुल आलमीन, रब्बुल आलमीन खत्मे नबूवत के लिए हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए। सब कहें आमीन। आवाज नहीं आ रही है, बिल्कुल भी नहीं आ रही है। मैं तो वहां आवाज पहुंचाना चाहता हूँ ना, आपको तो मालूम है। यहाँ तक आवाज नहीं आ रही है तो वहां तक कैसे जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए। मैं आपके जज्बों और वलवलों को जिंदा देखकर ताबिंदा देखकर नातिया कलाम के लिए दावत देने जा रहा हूँ। मुल्क के मशहूर और मारूफ नातखा
हाफिज मोहम्मद सलमान नोमानी साहब को के तशरीफ लाए और अपने मखसूस अंदाज से हमें मुस्तफी फरमाए। तशरीफ ला रहे हैं हाफिज मोहम्मद सलमान नोमानी। السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته। सलाम का जवाब किसी ने भी नहीं दिया। मेरे ख्याल से हम लोग कब्रिस्तान में आए। एक दफा मैं फिर सलाम करता हूँ, सलाम का जवाब जरूर देना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहु। खत्म नबूवत के हवाले से एक कलाम पेश करना चाहता हूँ। जो भी शेर आपको पसंद आए तो दिल से सुभान अल्लाह कहेंगे ना इंशाअल्लाह। अभी कारी साहब ने माशाल्लाह बहुत खूबसूरत तिलावत कलाम पाक की, लेकिन किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया। एक दफा कारी साहब के लिए सुभान अल्लाह कह दीजिए। पीछे वाले सारे खामोश है, बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कह दीजिए। शायर क्या खूब लिखते हैं, समाप्त कीजिएगा। शाने मुस्तफा पे हम कट मरने को तैयार हैं। पीछे सारे खामोश हैं, एक दफा कह दीजिए सुभान अल्लाह। शाने मुस्तफा पे हम कट मरने को तैयार हैं। कल भी हम बेदार थे, आज भी हम बेदार हैं। कल भी हम बेदार थे, आज भी हम बेदार हैं। परचे में नबी झूमने चाहिए। कल भी हम बेदार थे, आज भी हम बेदार हैं। कल भी हम बेदार थे, आज भी हम बेदार हैं। शाने मुस्तफा पे हम कट मरने को तैयार हैं। कल भी हम बेदार थे, आज भी हम बेदार हैं। कल भी हम बेदार थे, आज भी हम बेदार हैं। गुस्ताख है मोहम्मद तेरा जीना अब फजूल है, जीना अब फजूल है। जिंदा हमसे बच जाएगा ये भी तेरी भूल है, ये भी तेरी भूल है। तेरे जैसे खंजीरों से बस सरे पेकार है। कल भी हम बेदार थे, आज भी हम बेदार हैं। कल भी हम बेदार थे, आज भी हम बेदार हैं। शाने मुस्तफा पे हम कट मरने को तैयार हैं। कल भी हम बेदार थे, आज भी हम बेदार हैं। कल भी हम बेदार थे, आज भी हम बेदार हैं। बेदार है या नहीं, है या नहीं? आप सब तो ऐसे लग रहे हो कि कब्रिस्तान में आए। दोनों हाथ उठाकर, कल भी हम बेदार थे, आज भी हम बेदार हैं। कल भी हम बेदार थे, आज भी हम बेदार हैं। शाने मुस्तफा पे हम कट मरने को तैयार हैं। कल भी हम बेदार थे। आते फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, ऊंचा करो, ऊंचा करो। कल भी हम बेदार थे, आज भी हम बेदार हैं। कल भी हम बेदार थे, आज भी हम बेदार हैं। कट जाएंगे आका पर ये तो एक सआदत है, ये तो एक सआदत है। हम गुलाम मुस्तफा का मकसद तो शहादत है, मकसद तो
शहादत है, हर आदू बे बकत के लिए यही ललकार है। कल भी हम बेदार थे, आज भी हम बेदार हैं। कल भी हम बेदार थे, आज भी हम बेदार हैं। शान मुस्तफा पे हम कट मरने को तैयार हैं। कल भी हम बेदार थे, आज भी हम बेदार हैं। कल भी हम बेदार थे, आज भी हम बेदार हैं। मुस्तफा के दुश्मनों से नर्म गोशा जिसका है, नर्म गोशा जिसका है, कोई शक नहीं है इसमें। गंदा बंदे उसका है, गंदा बंदे उसका है। मुस्तफा पे जानो जर सब कुछ अपना निसार है। कल भी हम बेदार थे, आज भी हम बेदार हैं। कल भी हम बेदार थे, आज भी हम बेदार हैं। शान मुस्तफा पे हम पेट मरने को तैयार हैं। कल भी हम बेदार थे, आज भी हम बेदार हैं। कल भी हम बेदार थे, आज भी हम बेदार हैं। एक दूसरा कलाम है, कलाम है, कायदे जमीयत हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब दामत बरकातहुम आलिया की शान में। जो भी शेर आपको अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह भी कहने, और अभी हाथों से परचम बना कर सही है साथ देंगे ना इंशाल्लाह। शायर क्या खूब लिखते हैं, समाज कीजिएगा के नूर ईमान से मुनव्वर प्यार कायद को सलाम है या नहीं, तो है तो फिर हाथों को उठा दीजिए। नूर ईमान से मुनव्वर प्यार कायद को सलाम, दीन और इस्लाम के दुलार कायद को सलाम। नूर ईमान से मुनव्वर प्यार कायद को सलाम, दीन और इस्लाम के दुलार कायद को सलाम। गैर की साजिश को जिसने खाक में मिला दिया, जिसके एक ललकार ने ऐबान को हिला दिया। गैर की साजिश को जिसने खाक में मिला दिया, जिसके एक ललकार ने ऐबान को हिला दिया। सर बुलंदो मौत पर, सर बुलंदो मौत पर हमार कायद को सलाम, दीन और इस्लाम के दुलार कायद को सलाम। नूर ईमान से मुनव्वर प्यार कायद को सलाम, दीन नारे और इस्लाम के दुलार कायद को सलाम। मुफ्ती महमूद के लखते जिगर को है गिरा,
फजल रहमान के जैसे कहा मुफ़त ये महमूद के लगते जिगर को है गिरा मौलाना आयत फजल रहमान के जैसे कहा पर अमन है अमन है अमन के गहवार कायद को सलाम दीन और इस्लाम के दुलार कायद को सलाम नूर ईमान से मुनव्वर प्यार कायद को सलाम दीन और इस्लाम के दुलार कायद को